इंद्र गजे तो धरा हिले तो सुन भारत के वीर, शीश भले ही दे दीजिए पर मत दीजिए कश्मीर। बोलो भारत माता की जय। मैं डिप्टी कमांडेंट विनोद बत्रा और बाकी साथी जवानों की तरफ से माननीय अतिथि श्री MS बिट्टा जी का इस BOP प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बिट्टा साहब के लिए एक बार जोरदार से ताली बजाएं। मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई है और इनके बारे में सुनता रहता हूं। मैं हमेशा इनको टीवी पे देखता रहता हूं, जब ये भाषण देते हैं, जब बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये कोई पार्टी या किसी के साथ नहीं, ये देशभक्त, ये चीज इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं इनको एडमायर करता हूँ। संकल्प होता है मातृभूमि की जवानों को रक्षा का, और जब निकलते हैं जवान तो क्या कहते हैं, अपनी माँ को, अपने देश के, अपने लोगों को। एक शाम चिरागों में सजा रखी है, चर्द लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। आदरणीय DIG राठौर साहब, जिनके वो बहादुर पिताजी, जिन्होंने यहाँ पे उन दुश्मनों के साथ जंग लड़ी थी, बहुत खुशी हुई राठौर साहब आपको मिलके, कमांडेंट साहब, डिप्टी कमांडेंट साहब, सीमा कल्याण समिति राजस्थान के मेरे भाई राष्ट्रभक्त मेहता जी, बाफना जी, रजेश जी, संग्राम सिंह जी, और यहाँ पे जुड़े हुए उस समिति के, कल्याण समिति के मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फख्र है आपके ऊपर। एक तो जवान वर्दी पहन करके सीमाओं की रक्षा करते हैं, और जिस तरीके से DIG साहब ने बताया कि राजस्थान की ये धरती देखी, और मैंने भी ये इसको महसूस किया, मुझे आने का आप मौका मिला कि आप लोग जहाँ कोई वोट नहीं, जहाँ को सत्ता नहीं, जहाँ को कुर्सी नहीं, कड़क धूप पे खड़े हैं अपनी सीमा की रक्षा, कि कोई इस देश की तरफ बुरी निगाह से ना देखता। जब ऐसे हालात, जब हर व्यक्ति के अंदर इस मातृभूमि में लगते हुए गांव में जब सीरियस बन आ जाए, आतंकवाद की, इन पाकिस्तान की हिम्मत क्या है कि हमारी तरफ देख जाए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि यह चीज, ये प्रेरणा, ये क्रांति हिंदुस्तान के हर बॉर्डर के ऊपर होनी चाहिए। वो यहाँ से मैंने देखी और यहाँ से मैंने सीखी। इतना मजबूत देश हो चुका है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, चाइना की हिम्मत नहीं कि हमारे देश की तरफ देख जाए। उसका कारण हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ही संकल्प है, प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। जब चाइना से आवाज आई जंग की, कब्जा करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चले गए वो चाइना के बॉर्डर के ऊपर, साथ में डिफेंस मिनिस्टर, एक तरफ चाइना की फौज खड़ी, एक तरफ हमारी खड़ी है, और इशारा कर दिया चाइना को, पहली अगर गोली चलेगी प्रधानमंत्री के सीने पे चलेगी, फिर मेरे जवान की तरफ चलेगी। ये आज का हिंदुस्तान है। 40 जवान शहीद किए थे ना पाकिस्तान ने पुलवामा में, जवानों ने तो शहादत दे दी, पर 40 जवान 370 धारा हटा गए। और सबसे पहले कश्मीर के अंदर बहुत शहादतें हुई BSF की, उस वक्त BSF ने मोर्चा संभाला हुआ था,
आज बीएसएफ सामने खड़ी, ये सामने पाकिस्तान फौज में हमारी बाद में आएगी, पहले बीएसएफ खड़ी है सामने। कितनी गर्मी के अंदर, कितनी कड़क सर्दी के अंदर बंदूक पकड़नी भी मुश्किल होती है, पर अपने कर्तव्य को पूरा करती है, निशाने पे रहती है हमेशा। कई बार बड़े चैनलों के अंदर डिबेट के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादियों की फेवर में आ जाते हैं, इस राष्ट्र की बात कोई नहीं करता। सीमाओं पे हमारे जवान किस तरीके से इस कड़क गर्मी और सर्दी के अंदर सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको कोई पूछने नहीं आता। ये हमारे साथी हमेशा दीवार फड़ के खड़े रहते हैं, उनको मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या कभी जवानों को मिलने के लिए, उनकी मुश्किलात को सुनने के लिए कभी बॉर्डर पे गए? कभी किसी शहीद परिवार के घर गए, उनके बच्चों उनको तकलीफ को सुना? जवाब मिलता है नहीं। एक हम हैं, हमने वर्दी के बगैर सेवा करनी है और वो आप कर रहे हैं। मैं कई बार सोचता था कि वर्दी के बगैर शायद मैं ही लगा हूं, मैं सोचता था, क्योंकि हर व्यक्ति का जो राजनीति में मकसद होता है, मैं नेता बना, मैं मिनिस्टर रहा, मैंने 96 के अंदर चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह की शहादत के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने कहा चीफ मिनिस्टर की शपथ लेनी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हमने केपीएस गिल ने, सरदार बेअंत सिंह जी ने, हमारी फोर्सेस के जवानों ने, बीएसएफ ने, सीआरपी ने पंजाब में अमन शांति लाने के लिए, जहां 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जहां किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी घर से निकली वापस आएगी या नहीं आएगी शाम को, हमने उस आतंकवाद को समाप्त किया है, हमने अपने कर्म को पूरा किया है। और दूसरे आप हैं जो निकले हैं वर्दी के बगैर सीमाओं की रक्षा करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और फिर राखी के दिन आपके पास हम आएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सारे कार्यक्रम को और अच्छा सुंदर बनाएं, क्योंकि और भी जगह पे मैं गया हूँ, जैसलमेर भी गया हूँ, पर जैसलमेर जाना बड़ा आसान है, प्लेन से उतरो, ट्रेन से उतरो, जोधपुर से आओ और जैसलमेर चले जाओ, पर यहाँ पे इतनी दूरी के अंदर आना और इतना अच्छा सारा सिस्टम का इंतजाम करना, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए अपनी सीमाएं फिर कितनी सुरक्षित होगी, और दूसरा आप लोगों का, गांव वालों का साथ। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, वंदे मातरम, जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।